हेलो सुरत, सुरत ये वीडियो है। इनफैक्ट इस अटेम्प्ट, जुलाई अटेम्प्ट के न्यू कोर्स के बारे में। तो थोड़ा सा सुरत, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक आई ओपनर ये बना रहे। फॉर द रीज़न बीइंग दैट सुरत, जो लेवल था इस बार के न्यू कोर्स का, अटेम्प्ट का, बहुत, जैसे इसकी रिव्यू मिला है एमसीक्यू का, मैंने तो भाई न्यू कोर्स के सुरत मेरे पेपर भी मैंने सॉल्व किए थे, लेकिन एमसीक्यू का भी जो उन्होंने लेवल बोला है, काफ़ी काफ़ी एक एडवांस लेवल का एक एमसीक्यू के क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ जो इस लेवल के जो क्वेश्चंस का जो लेवल भी था, वो भी अच्छा खासा लेवल बनाया था। इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन 2C जो था, वो तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि मुझे तो अभी ऐसा पता ही नहीं कि हार्डली कोई स्टूडेंट ने वो अटेम्प्ट भी किया रहेगा। आउट एंड आउट स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है ना कि दो लेवल पर आपकी जंग आपको लड़नी पड़ेगी। पहली बात होगी स्टूडेंट्स की लेंथ ऑफ द पेपर, उसको अब एक मैनेज करना है, और दूसरा है स्टूडेंट्स इसके जो डिफिकल्टी लेवल जो स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस हो रहे एग्जामिनेशन में, इसको टारगेट करना है। एक चीज़ तो समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी जरूरी हो जाती है इस टाइप के पेपर्स को हैंडल करने के लिए। उसके अंदर तो दो तीन लेयर्स हैं स्टूडेंट जो प्रिपरेशन के, जिसमें कि सबसे पहला लेयर आता है आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट, बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि ये जो इस बार का जो DDAA की बात आ रही थी, मैं अपने रेगुलर बैच में कुछ स्टूडेंट, सब लोग को पता होगा, मैं वो एक इंडिया US का एक एग्जाम्पल हमेशा दिया करता था, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल टैक्स है और स्टेट लेवल पे उनको स्टेट टैक्स है। अलग बात है कि सिचुएशन ये तो चलो हम लोग डिस्कशन पे कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस पर इस लेवल का क्वेश्चन भी सेट करना, वो भी अपने आप में स्टूडेंट बहुत ही एक लेवल का, समझ में आता है कि सिर्फ थियोरी तक तो चलो ठीक है, उस पर उन्होंने प्रैक्टिकल डाल दिया है। दूसरी बात ये भी देखने को मिली स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में रिपीटेड दिखा रही है, कोई भी क्वेश्चन जो इस अटेम्प्ट में आया था उस पर कहीं पे भी आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही बात आती है ना कि ठीक है, आपने अल्टीमेटली क्या किया कि देखो क्वेश्चन को आपने, देखो एक चीज़ होता है ना, सारे स्टूडेंट्स लगभग करते क्या है कि वो जो भी होगा लाइक कंपाइलर उसमें सोल्यूशन देख लेते हैं, और वो सोल्यूशन से वो क्या करते हैं, रूबरू हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रूबरू हो जाना उस सोल्यूशन से। सो आई बिकम फेमिलियर टू सोल्यूशन, अच्छा ऐसा किया जाता है, लेकिन हम अपने आप को आजमाते नहीं है प्राइमरी कि भाई अगर कोई नया क्वेश्चन अगर आ जाए, डू वी हैव द एबिलिटी कैपेबिलिटी टू रियली क्रैक दोस क्वेश्चन। इस बार के अटेम्प्ट में थोड़ा ICDS का भी एक बड़ा योगदान रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 40 नंबर का, उसमें अगर ICDS की एप्लीकेशन अगर नहीं पता हो, तो वो भी अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 14 भी, जो कि बाकी क्वेश्चन के कंपेरिजन में तो थोड़ा सा तो ईजी लग रहा था, लेकिन अगर वो ICDS का अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कैपिटलाइजेशन प्रिंसिपल अगर हमें पकड़ में नहीं आता है, तो फिर वहाँ पर भी स्टूडेंट भयंकर गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आउट एंड आउट स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा कि पहली बात है कंसेप्चुअल लेवल पे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इस टाइप के पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक चीज़ तो समझ में आता है स्टूडेंट्स कि आपको अपने जो प्रिपरेशन है, जो भी आप करो, उसमें आपने एक इंटीग्रल एक प्रोग्राम बना के चलना है कि हर पेपर के कम से कम 3 पेपर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। वो एग्जामिनेशन के कंडीशन का एक अलग ही इंश्योरेंस क्या हो जाता है कि देर इज अनदर ऑल्टुगेदर अ लेवल कि एग्जैक्टली हाउ वी आर सपोज टू डील विद दोज पर्टिकुलर एंग्जाइटी एंड एनवायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो एक अलग लेवल पर अल्टीमेटली ये चला जाता है। तो अगर वो भी अगर हमने उसको ठीक से उसको ये नहीं किया, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली एग्जामिनेशन बैकफायर करता ही करता है, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि प्राइमरी ये लेंदी बहुत हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि सिलेक्शन, जैसे कि इस बार अगर बच्चों ने MCQ से स्टार्टिंग में अगर सॉल्व किया होगा, तो भाई हो गए फिर उसके काम, मतलब कि काफ़ी लेंदी लगा होगा पेपर उसको, और डिफिकल्टी लेवल एक अलग लेवल पर चली गई होगी। तो सिलेक्शन कैसे किया जाए क्वेश्चंस का, ये भी इक्वली क्रिटिकल फैक्टर है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की कंसेप्ट के साथ साथ एक एडिक्वेट प्रैक्टिस का भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मैं DT का तो मैं बोल सकता हूँ, मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम DT में तो मैं ये स्टूडेंट्स ये बोल ही सकता हूँ। इसी वजह से स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि देखिए कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में, लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी उतना ही तगड़ा करना है जितना कि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के पेपर्स को मैनेज करना होगा। तो 3 टेस्ट पेपर का मैंने क्या है, May 22 स्टूडेंट्स के लिए अभी से ही मैंने क्या है प्रिपरेशन, वो आपके पेपर्स के लिए तैयारी करना चालू कर दी है।
ताकि जैसे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को एक तरीके से एक बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन सेट कैसे बने और वो किस तरीके से वो फिर उसको आजमाए अपने आप को, तो ये सारे चीज़ों को अल्टीमेटली स्टूडेंट हम लोग अपने एक इंटीग्रल प्रोग्राम योद्धा 2.0 में रखने वाले हैं। पहले मैं आपको बैच बता दूं स्टूडेंट, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी स्टूडेंट जिसको ऑफलाइन अगर देखना है वो ये बैच ले सकते हैं, और ये मई 22 का बैच होगा स्टूडेंट्स। इस पे आप ये ऑनलाइन पर्टिकुलर लाइव भी है, ऑफलाइन में भी आप इसको देख सकते हो। आपको स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, तो पूरी की पूरी ग्रुप आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग द इलेक्टिव पेपर्स। इलेक्टिव में आपके पास चॉइस होंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्टिव में भी आपके पास क्या स्टूडेंट चॉइस है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक लॉ है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, और भी बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इलेक्टिव्स में, सारे इलेक्टिव्स कराए जा रहे हैं। ये बैच हिंदी में है प्राइमरी, जो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। तो ये बैच स्टूडेंट्स हिंदी में है, जैसे मैंने बताया ना कि आप ये ऑफलाइन अल्टीमेटली ले सकते हो, सो दिस यू कैन डू इट इन एन ऑफलाइन मोड प्राइमरी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख ही सकते हो इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, आप लोगों को स्टूडेंट्स अगर बाई चांस फिजिकल कॉपी अगर लेनी होगी तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पे एक बार कनेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों को स्टूडेंट्स फिजिकल कॉपी अल्टीमेटली क्या है आप एक बार देख लेना। वहाँ पे टेक्स्ट बुक जो होगी DT की, तो वो आपको सब्सक्रिप्शन के बियॉन्ड पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे के यू कैन टेक अक्रॉस द फिजिकल कॉपी, तो वो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा ओवर एंड अबाउ दी फिजिकल कॉपी विच ओवर एंड अबाउ PDF। तो हम लोग देते हैं बैच में अपने पर्टिकुलर जो इसके रहेंगे PDF अल्टीमेटली आपको मिल जाती है। हाउएवर इवन द फिजिकल कॉपी स्टूडेंट्स विद द स्टूडेंट्स प्राइमरी रिक्वायर फॉर द प्रिपरेशन पर्पस, तो वो चीज अल्टीमेटली आप लोग ये कर सकते हो। तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, 9779430034, ये आप व्हाट्सअप कर लें इस पर्टिकुलर नंबर पे, और आपको ये अगर कोई किताब अगर अल्टीमेटली लगेंगी तो आप वहाँ से ले लें। दूसरी बात होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे ये देख रहे हो आप लोग कोड सब्सक्रिप्शन 10% आपको ये अल्टीमेटली एक आपको क्या करना है, वे सब्सक्रिप्शन जनरली देखो ये रेगुलर बैच है, तो मैं तो बोलूँगा कि आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, 12 मंथ्स का आप लोग ले लो सब्सक्रिप्शन। तो उसके साथ साथ क्योंकि अगर आप 6 महीने और अगर आप 12 महीने का अगर देखोगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। 12,500 है 6 महीने का, और 12 महीने का है 15,500। इसमें आपने करना क्या है, आपको एक कोड दिया जाता है CADS। क्या है कोड नंबर स्टूडेंट? CADS। ये कोड आप लगवा दो, आपको 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगी, और उस डिस्काउंट के जरिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, उस डिस्काउंट के जरिए प्राइमरी यू विल बी एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर व्हाट स्टूडेंट्स? दैट 10% डिस्काउंट आपको, तो अराउंड 13,000 के आसपास ये आपको पूरा ग्रुप 2 आपको अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं 6 महीना ही करना चाहता हूँ, तो आप 6 महीने कर लीजिए, उस पर भी आप ये काम कर देना। एक्चुअली 6 महीने का लोगे लेकिन 6+1 है, मतलब 7 महीना आपको मिलता है। 6 महीने का अगर आपको करना है तो वो भी कर लो आप, लेकिन उसको 6+1 है, तो आपको 7 महीने का मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। उस पर आप पूरे ग्रुप 2 कर सकते हो, DT भी है, इलेक्टिव भी है, IDT है, SCMP, उसमें भी सेम कोड लगवा देना CADS, तो आपको वहां पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ द थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप लाइव ना देख पाओ और आपको ऑफलाइन में भी अगर करना है तो आप ये कर सकते हो। अनलिमिटेड रिकॉर्ड लेक्चर्स में कोई ऐसे नंबर ऑफ व्यूज पे कोई रोक नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अल्टीमेटली उतने नंबर ऑफ व्यूज देख सकते हो। मल्टीपल एडुकेटर्स हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे। प्राइमरी डाउट सॉल्विंग तो हम लोग वैसे ही लेक्चर्स में भी कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, और जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स टेस्ट पेपर्स ये इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है आपके पूरे तैयारी का, ताकि आप में अल्टीमेटली वो चीज़ अगर वो ना हो तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हैंडीकैप हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इसको भी हमने अपने साथ में इसको कंसिडर करके रखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब ये बैच जैसे कि मैंने DT, अगर मैं मुझे DT के बारे में बता रहे तो प्राइमरी इफ़ यू टेक इट राइट नाउ आपकी बैच ये कंप्लीट हो जाएगी बाय 15th of November, क्योंकि प्राइमरी ये सारे बैचेस अब स्टार्ट हो चुके हैं कभी के, और उस हिसाब से बाय
सच तो देखा जाए तो अल्टीमेटली 31 अक्टूबर अल्टीमेटली क्लोजर है, कंप्लीशन है ये, अगर कोई अगर ऑफलाइन भी लेना चाहता है, लेकिन तो भी 15 नवंबर आउटर है हम लोग एक टाइम लेके चल रहे हैं, ताकि क्या हो जाए ऐसा कुछ इस पर कंटिजेंसी कुछ रहेगी तो 15 नवंबर का हमने डेट दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप सभी लोग अल्टीमेटली इसको एनरोल करें, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने बता दिया हार्ड कॉपी के लिए आप लोग बुक के लिए 9779430034, वहाँ पे आप कनेक्ट कर ले तो आपको ये अल्टीमेटली वहाँ पे मिल जाएगी। ये बैच की मैं लिंक जो है, जो आपको लिंक लेना सब्सक्रिप्शन के लिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, यू कैन अकॉर्डिंगली टेक अक्रॉस दिस वन। सी यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।